माई dear students इन दिस मॉड्यूल वी विल लर्न रिगार्डिंग फिगर्स सिटीज जैसे कि हम जानते हैं हम अर्बन सोशालोजी में सिटीज़ uh, की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो उनमें एक जो सिटी है बेसिकली एक खातून जो अर्बन आ, आ, सोशालोजी की एक्सपर्ट हैं क्रिस्टन बॉयर उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी फिगर्ड सिटी अब फिगर्ड सिटीज किसको कहते हैं इट हैज़ मैनी इनोवेश द स्प्रेड ऑफ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज ब्रिंग न्यू सेट रियलिटीज़ टू कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी विद डिफरेंट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज और ग्रेजुअली दो जो सोशलाइजेशन है अर्बन सेटिंग की जो अर्बन सेटिंग की सिविलाइजेशन है उसमें डिफरेंट चेंजेस जो आ रही हैं बेसिकली इट आइडेंटिफाइज दोज काइंड ऑफ चेंजेस बॉयर डिस्क्राइब्स दिस एस्पेक्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी अर्बन एनवायरनमेंट यूजिंग द टर्म डिसफिगर्ड सिटीज द डिसगर्ड सिटी लैक्स द डिस्टिंग फिगर्स दैट मेक अ सिटी यानी नॉर्मली जो बेसिक क्राइटेरिया है जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं सिटी की बेसिकली ये उनसे हटके हट के सिटीज़ uh, हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जैसे एक वर्ल्ड सिटी होते थे uh, उस तरह से इसकी अप्रोच नहीं है बल्कि अब टेक्नोलॉजिकली uh, जो है एरियाज़ uh, को डिवाइड किया गया है और इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट जोन्स एंड डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पापोलेशन डिफरेंट रेजिडेंट ग्रुप्स उनकी बेसिस पे जो है लोगों के माइंड में एक अर्बन स्पेस का इंट्रोड्यूस करवाया गया है बॉयर ब्रिंग्स टुगेदर एलिमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम जियोग्राफी क्रिटिकल थेरी आर्किटेक्चर लिटरेचर एंड पेंटिंग इन आर्टिफिशियल एंड रीडेबल वर्क दैट इज ब्रॉड इन इट्स रीच एंड ओरिजिनल इन इट्स इनसाइट्स डिफरेंट आस्पेक्ट से बॉयर ने इनको आइडेंटिफाई किया और उसमें जोग्राफिकल बैकग्राउंड है उसमें क्रिटिकल थेरी मीन्स के हर जो सिचुएशन है उसको राइट बेस्ड अप्रोच के साथ देखा जाए लोगों के बेनिफिट के हवाले से देखा जाए और उसमें जो अरबन सेटिंग की जो बॉन्डेज हैं जो डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं उनसे हट के उनको देखा जाए इट एक्चुअली फोकसेज ऑन द सेंस ऑफ द सिटी री विद रिचनेस एंड पोटेंशियल बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट लाइज इन द माइंड ऑफ द पीपल एंड इट सेग्रीगेट्स डिफरेंट कम्यूनिटीज ऑन द बेस ऑफ फेसिलिटीज एंड द रीजन्स इन विच द पीपल आर डिवाइडेड

तो सेग्रीगेशन उसमें कोई नज़र नहीं आती लेकिन जितने भी मॉडर्न सिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा टॉल बिल्डिंग्स हैं लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट उसमें आर्किटेक्चर यूज हुआ हुआ है लेकिन जो सेग्रीगेशन है दैट लाइज इन द माइंड्स ऑफ द सिटीजन फिगर्ड सिटीज एस्टेबलिश क्लीवेज ऑफ ग्रुपिंग अमंग द डि पर्टिकुलरली द अफ्लुएंट वंस नॉर्मली जैसे मैंने कहा क्लीवेज मीन्स एक बारीक थिन लाइन जो है यू कैन ड्रा इन योर माइंड लेकिन अगर हम उस अर्बन सेटिंग को फिजिकली देखें तो बज़ाहिर में कोई डिफरेंसेस नज़र नहीं आता और इन टर्म्स ऑफ सोशो इकनॉमिक स्टेटस या इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ जो है उन लोकेलेटीज़ को हम डिफ्रेंश कर सकते हैं दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ मेंटल कंपार्टमेंटलाइजेशन के लोगों के माइंड में जो है एक सेग्रीगेशन का एलिमेंट मौजूद होता है तो इस तरह से जो लोकेलेटीज़ एमर्ज हो रही हैं फ़र्ज़ करें लेटेस्ट आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस की बेसिस पे और सिविक एमिनिटीज़ की बेसिस पे और अर्बन प्लानिंग का उसमें एक मेन रोल है कि ऑर्डिनरी सिटीज़ से हट के इस तरह की सेटिंग की जो एक स्ट्रक्चर है आ, उसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि ये आर दीज आर द बेसिकली सिटीज़ विच आर डिसफिगरिंग All the elements on the basis of which we recognize general cities.